एक बच्चा लिख रहा था नीतीश के बारे में कुछ बोलिए। मैं नीतीश कुमार का बहुत बड़ा फैन हूं, मालूम क्यों? आज जितनी संसार में लड़ाइयां हैं, जितने दुख हैं, उन सब में सबसे ज्यादा लड़ाई जो है ना वो हृदय की चोट की है, आत्मसम्मान की है। अगर सोचो आपको समाज में कोई बेरोजगार बोल रहा है, आपको घर में कोई कुछ बोल रहा है, तो हम क्यों नौकरी चाहते हैं? क्योंकि हमारे आत्मसम्मान पे चोट लगती है। अगर ये आत्मसम्मान पे चोट ना लगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, और हमसे ज्यादा खुशी कोई किसी को नहीं होगी किसी भी बात की, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता। कोई महिला हमें छोड़ के किसी और के पास चलेगी, हमारे आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंची, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आत्मसम्मान को चोट पहुंची है तो मुश्किल है। तो नीतीश कुमार में मैंने एक यही चीज देखी कि उनके आत्मसम्मान को चोट कभी नहीं पहुंचती। नीतीश कुमार चला रहा है दारू, दारू का ठेकेदार, नीतीश कुमार चला है, ठेकेदार है दारू का, वो नीतीश बात का ठेकेदार है, ले रखा सब ऑर्डर देता है नीतीश बात, अब बिहार में दारू चलता है, नीतीश बात पूरा चोर है, दारू बेचता है, अब हम लोग आवाज उठाएंगे। सोचिए, वो ये कह देते हैं कि मैं इस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, तो हम लोगों के साथ क्या होगा कि अगर हम गए और किसी ने हम पे कमेंट कर दिया तो हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। तो सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसका आत्मसम्मान कभी चोटिल हो ही नहीं रहा है, जिसके अंदर आत्मसम्मान है ही नहीं, उससे अच्छा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। वो तो बढ़िया जिंदगी काट रहा है, सोचो, उसको तो जहां पता चल रहा है यहां फायदा मिला, तुरंत वहां पहुंच गए। हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। हमारा क्या है कि मैं इन भाई साहब की तारीफ कर रहा हूँ, इन पे पैसे हैं, और भाग के वो इनके पैसे इसने छीन लिए, तो मुझे टेंशन हो जाएगी, मैं ही खड़ा रहूंगा। लेकिन नीतीश कुमार है तो भाग के ऐसे आ जाएंगे कूद के, उनको फायदा और उनको दिक्कत नहीं हो रही कोई। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको आप छोटी चीज मत आंकिए। इन सब के बावजूद मुस्कुराना अगर है आपके अंदर तो आप मतलब आप परम पिता से भी ऊपर निकल गए।